रोल है जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड नंबर 13 से, जो प्रधान पद के जो दावेदार हैं, आखिर क्या कारण हुआ, कैसे ये झगड़ा हुआ, तो उनसे ही जानते हैं जुबानी। आज की घटना के बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं क्या कुछ कैसे हमला हुआ। जी देखिए, गरीब परिवार में मैंने जन्म लिया है, मेरा यही कसूर है कि मैं गरीब परिवार में जन्म लेकर और राजनीति के क्षेत्र में सफेदों की जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं उनको ये जो मेरी विकसित, मैं जो लोगों के जनता का आशीर्वाद मुझे चुनाव के अंदर, जो चुनाव आने वाला है नज़दीकी अंदर, जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं उनको पसंद नहीं आ रहा, तो उनके गुंडों ने सरेआम लगभग 8:20 पर मेरे ऊपर हमला किया। सरेआम गुंडा स्टाइल में आकर बलैरो गाड़ी को रोका और बलैरो गाड़ी को रोक कर आते ही मेरे एक साथी है भगवान दास, उसके ऊपर सीधम सीधा हमला कर दिया। और हमला करने के बाद जब मैंने छुड़वाने की कोशिश की तो मेरे ऊपर भी हमला कर दिया गया। तो ये जो चुनावी राजनीतिक विरोधी जो लोग हैं वो एक गरीब आदमी के ऊपर ही इस बात को लेकर दबाव बनाना चाहते हैं कि किसी तरीके की इसकी आवाज़ को दबा दिया जाए, लेकिन मेरी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। ऐसे अगर गुंडों के सारे सब कुछ चलने लगा तो हरियाणा पुलिस क्या कर रही है। तो मैं तो भागकर, सभी लगभग 7-8 लोग थे, ये जगदीप है और बिंदर है और वेद प्रकाश है और ये उनके जो चारों पांचों भाई हैं, मैंने तो गली की सीसीटीवी चेक कर सकते हो आप, पुलिस जांच करेगी, गली की सीसीटीवी चेक करो, मैंने भागकर अपनी जान बचाई है। मैं आप लोगों के माध्यम से एसपी जीन से और अपने ओएसडी महोदय से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, तो क्योंकि मैं एक साधारण परिवार से संबंध रखता हूं, मेरी जान को खतरा है, कृपया करके मुझे कल से सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए ताकि मैं अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा सकूं। ऐसी इसके पीछे कारण क्या मानते हैं आप? कारण क्या रहा गौरव जी, जैसे कोई तो कारण होगा। देखिए अभी कई वहां कहां मौजूद थे उस समय, मैं वही मौके पे मौजूद था, कई दिन से वोटों का बनाने का करने का काम नगर पालिका की प्रक्रिया है। तो इस व्यक्ति ने आकर सीधा ये कहा कि हमारी वोट क्यों कटवा रहा है। पर चुनाव आयोग का एक नियम है कि जो जिस वार्ड में रहता है उस वार्ड में अपनी वोट डाले, तो उसका फैसला तो वही करेगी, उसका फैसला तो प्रशासन करेगा कि कौन कहाँ वोट डालेगा। हमने फर्जी वोटों, वो जो व्यक्ति जो मैं बता रहा हूँ, तथाकथित आदमी जो मैं बता रहा हूँ, जिसके इशारे पे ये लोग काम करते हैं, उन लोगों ने सदा फर्जी वोटों पे चुनाव जीता। और आज जब गरीब की आवाज बना है गोरो रोहिला, तो मेरी गरीब की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग सदा फर्जी वोट डालकर चुनाव जीते उन लोगों ने अपने गुंडे भेजकर मेरे ऊपर हमला कराया, लेकिन गरीब की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता। मैं एसपी साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे सिक्योरिटी मुहैया कराया जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर मैं चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं पाऊंगा और गरीब की आवाज को दबा दिया जाएगा। अगर सरेआम ऐसे गुंडे एक आम आदमी के ऊपर, एक पूर्व पार्षद के ऊपर हमला कर देंगे तो हरियाणा पुलिस क्या कर रही है। सरेआम उसका मेडिकल कराया जाए, उसने फुल दारू पी रखी है, उसके सभी भाइयों ने दारू पी रखी है, और दारू के नशे में पीछे डंडा लेकर पूरी गली का सीसीटीवी कैमरे चेक कराया जाए। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई और जान से मारने की कोशिश भी की गई, ये बिल्कुल सरेआम अत्याचार है। अभी विरोधी लोग, अभी से चुनाव शुरू भी नहीं हुआ, अभी से बुलाकर मेरे ऊपर हमला करा रहे हैं और हमला कराकर गरीब की आवाज को दबाया जा रहा है, तो ऐसे गरीब का शोषण सफेदों शहर मंडी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो गौरव जी कितने आदमी थे? 12-13 आदमी थे लगभग सारे, जिन्होंने 12-13 आदमी ने हम दोनों के ऊपर हमला कर दिया। पहले उसको बुरी तरह से पिटा, उसको मैंने छुड़वाने की कोशिश की तो 2 थप्पड़ मेरे मार दिए। ऐसी स्थिति में हमने देखा कि 12-13 लोग हैं, यहाँ से भागना ही उचित होगा। बाइक को तोड़ दिया गया, ये 32-12 बाइक 5 इसको देख लीजिए, बाइक वाइजर सब तोड़ रखा है। तो अगर ऐसे गुंडे सफेदों के अंदर मान लो सरेआम हमला करेंगे कुछ लोगों की शह के ऊपर, तो ऐसे सफेदों की जनता ऐसे बर्दाश्त, जो लोग मेरे सामने चुनाव लड़ते हैं, पिछले चुनाव के अंदर भी ऐसे वोटों का मामला था, मैंने आपको पहले भी कहा कि वोट का कटने का जुड़ने का काम हमेशा चलता रहा। जो लोग सदा फर्जी वोट बनवाकर सदा चुनाव जीतते रहे, आज अगर सच्चाई चुनाव आयोग सच्चाई से चुनाव कराना चाहता है, वो मुहिम चली हुई है, उसको ठेस पहुंचाने के लिए जब उनकी वहां पार नहीं बसा रही, तो गुंडों का सहारा लेकर मेरे ऊपर सीधा हमला करा दिया गया। मैं आप सब लोगों के माध्यम से ये कोशिश करना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए, नहीं तो मैं स्वयं कल अगर मुझे सिक्योरिटी मुहैया नहीं कराई गई तो सफेदों के प्रतिष्ठित लोगों को लेकर मैं जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर धरने में बैठूंगा और उन लोगों का पर्दाफाश करूंगा जिनका इनके ऊपर हाथ है। और वो लोग इन लोगों की मदद करते हुए नजर भी आएंगे आपको, वो लोग इन लोगों की मदद करते हुए नजर भी आएंगे जिनका इनके ऊपर हाथ है, सीधा सीधा स्पष्ट आरोप है। जो लोग सफेदों में गुंडागर्दी को बढ़ाकर चुनाव जीतने की मंशा जी लिए हुए हैं, ऐसे लोग कौन से लोग हैं? देखिए मेरे प्रतिद्वंदी हैं, जो लोग मेरे सामने हमेशा चुनाव लड़ते हैं या लड़ने वाले हैं, वो लोग स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर, मैंने फेसबुक पर स्पष्ट नाम भी लिख दिया, उनके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले हैं, उनका बराबर में पड़ोस का मकान है जो पूर्व प्रधान है राकेश जैन जी, बिल्कुल तीन मकान छोड़ के उनका मकान है, पूर्व प्रधान, पूर्व पार्षद, उनके मकान 3 घर छोड़ के उनका मकान है, उन्होंने उनके इशारे के ऊपर ये सीधा सीधा हमला हुआ है। वो वैसे तो किसी तरीके से बात उनकी बनती नहीं, लेकिन गुंडागर्दी के सारे, गुंडों के सारे मेरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे गरीब की आवाज को नहीं दबा जा सकता। हर व्यक्ति जो गरीब है,
जो मेरे को समर्थन करता है कल वो सड़कों पर उतरेगा और इस बात का मुंह तोड़कर जवाब देगा। अभी तक पुलिस ने क्या कुछ करवाया? अभी तक मौके पे जाकर मैंने 2-3 बार टेलीफोन पुलिस को किए हैं। तीसरे टेलीफोन के बाद अगर 5 मिनट और पुलिस न आती तो शायद उसको मार ही दिया जाता, मेरे साथी को जान से मार दिया जाता। और उसको मौके पे फुल शराब उसने पी रखी है। सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि उसका अंदर जो व्यक्ति पकड़ रखा है जगदीप, उसका मेडिकल कराया जाए। इससे साबित हो जाएगा कि उसने फुल नशे के अंदर हमला किया। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी उनकी गाड़ी एक सरकारी बिजली बोर्ड की हरियाणा सरकार की गाड़ी है, बलैरो नंबर मुझे ध्यान नहीं, वो बीच में खड़ी थी। अनाज मंडी के सीसीटीवी फुटेज भी चेक कराए जाए। और गवर्नमेंट जॉब से मुझे लगता है कि ठेकेदारी का काम करता है, अपने आप को एडवोकेट भी बताता है, किसी को कुछ बताता है, किसी को कुछ बताता है। गाड़ी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है? मोटरसाइकिल यहाँ पे है, गाड़ी अभी तक कब्जे में नहीं ली गई। तो जिन व्यक्ति ने हमला किया क्या उनको गिरफ्तार कर लिया पुलिस? एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, बाकी 7-8 लोग जो हमले में शामिल थे वो भी गिरफ्त से बाहर है पुलिस की। शिकायत आपने दर्ज करवाई? अभी शिकायत दर्ज हो रही है मौके पे, उनको तुरंत अभी बाकी सबके नाम लिख के दूंगा, तुरंत गिरफ्तार की जाए और मुझे सिक्योरिटी मुहैया कराया जाए। क्योंकि अगर मुझे रात को भी जान से मार दिया गया तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती, पहले भी ऐसी घटनाएं बहुत बार हो चुकी है। मुझे सिक्योरिटी मुहैया कराया जाए। पुलिस जो कार्रवाई करी उस पर आप देखिए, अभी देखते हैं। मैंने इनको कहा है कि मेडिकल कराओ इसका, क्योंकि इसने दारू पी रखी है, सरेआम टल्ली है, और जो लोग बाकी साथ में थे उन्होंने भी पी रखी है। सबको रात को पकड़ के इनको मेडिकल कराया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो आपके साथ थे उनकी अभी तबीयत कैसी है, क्या कुछ है? वो हार्ट पेशेंट है, उसका बीपी बढ़ा हुआ है, उसका मेडिकल भी कराएंगे। स्टंट भी डले? हाँ, उसके स्टंट भी डले हुए हैं। उसको तो सरेआम मार दिया गया होता, अगर 5 मिनट अगर पुलिस और लेट हो जाती तो सरेआम ये मर्डर हो जाता। ये अनाज मंडी के अंदर बिल्कुल अंदर 100 लोगों के सामने पिटा है, मंडी के 100 लोगों के सीसीटीवी कैमरे चेक कराए जाए। और मेरी गली में जहाँ मेरा निवास स्थान है वहां से मैंने अपना भाग के पीछा छुटाया है। अगर मैं वहां रुकता तो मेरे को भी जान से मार दिया गया होता। फुल नशे में वो आदमी सवार है जो अंदर पकड़ा, बाकी 7-8 लोग और भी हैं जो, और उनको नहीं पकड़ा गया। मेरा आपके माध्यम से साथ थे जो यहाँ पर आए, हमने देखा कि यहाँ पर भीड़ बहुत थी, समर्थन करने के लिए लोग पहुंचे थे। अभी हम देख रहे थे सफीदो, जिस थाने में लोग विश्वास करके आते हैं हमें न्याय मिलेगा या हम सुरक्षित है, यहाँ भी कुछ लोग जो है रोला रब्द और दूसरी आवाजें यहाँ निकाल। अरे जिस आईओ ने उनको पकड़ा है मौके पे, उसके साथ भी हाथापाई की गई है। वो आईओ दिल पे हाथ रखे ये बात कही, उसको भी गाली गलौज करी है, उसको धक्के से पकड़ के लेके आई पुलिस। उसको भी यूं कहा गया कि तू कौन है, मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ, मतलब उसको धक्के से पुलिस पकड़ के लाई है। ऐसे लोगों की राजनीतिक मंशा कामयाब नहीं हो सकती। गरीब व्यक्ति का साथ गोरोरी लगे साथ है, अगर ऐसे मार पिटाई करके मेरी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे तो ये बात दबने वाली नहीं है। ये आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से, एसपी साहब के माध्यम से, डीजीपी साहब के माध्यम से, मैंने टेलीफोन पर सबसे भी बात की है। वो मुझे कह रहे हैं कि कल से आपको सिक्योरिटी मुहैया करा दी जाएगी, आप रात को प्लीज कैसे तरीके से। मुझे लगता है अगर मुझे नहीं लगेगा तो मैं किसी तरीके का भी सब लोगों से बातचीत निवेदन करना चाहेंगे कि किस प्रकार से इस तरह की यही तो बौखलाहट है कि सामने वाला जो विरोधी पक्ष है उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि चुनाव के अंदर बड़ी दिक्कत होने वाली है, और अभी से चुनाव शुरू भी नहीं हुआ, अभी से मेरे साथ हाथापाई करानी शुरू कर दी। तो इस तरीके से गरीब की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। लोग सफेदों की जनता आने वाले चुनाव के अंदर भी इस बात का जवाब देगी, और इन लोगों को भी जवाब देगी जिन्होंने ऐसी हाथापाई करने की कोशिश की है। और वो लोग कौन है जो मदद करेंगे उनका भी आपको कल शाम सुबह पता लग जाएगा कि किसके इशारे पे काम हुआ है और किसके इशारे पे हमला हुआ है। जी जी सर, सभी पत्रकार आपके साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप तस्वीरें आपने जुड़ रही है, अभी हम दिखाते हैं आपको बाइक, जिस बाइक के ऊपर जो आरोपी था, एक नाम आरोपी कहूँ, पीड़ित पक्ष जिसको पीटा गया, देखियो जी, ये वो बाइक है जिसको तोड़ा गया है। अब देखिए तस्वीरें, ये बाइक है जिसका आगे से भी देखो पूरा वाइजर टूटा हुआ है, हम बता दें कि इसी बाइक के ऊपर सुभाष जैन जी मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, उनसे जानने की कोशिश। हमारा इतना ही कहना है कि चुनाव कोई भी लड़े जी, गौरव भी मेरा बेटा है जी, सभी मेरे अपने हैं, राकेश भी मेरा बेटा और बिगड़े जी। अगर कोई भी आदमी नीच हरकत करता है जी, वो गलत है, मारपीट या किसी की हम बिल्कुल उसकी भर्त्सना करते हैं अगर ऐसा हुआ है। मेरे को ऐसा नहीं इलम कि कोई मारपीट हुई है, अगर हुई है तो गलत हुई है,
उसकी मैं हमेशा निंदा करता हूँ और हमेशा उसके विरोध में हूँ। और हम नाम नहीं लेना चाहते लेकिन कहीं ना कहीं कोई नाम निकल के सामने आ रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसका नाम निकल के आ रहा है? मैं हम अभी जो स्थिति है वो राजनीति से प्रेरित है जो हमला, अगर ये राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये एक साल दो साल से पहले से इनके आपस में दुश्मनी चल रही थी, आपस में वोट काटने के ऊपर कोई झगड़ा था जो मेरी समझ में आया। मैं भगवान को साक्षी मान के कह रहा हूँ कि ये कोई राजनीति से प्रेरित किसी पे हमला नहीं कराया गया। अगर इसके लिए चलिए आप हमला तो मानते हैं, नहीं अगर इसमें हमला हुआ है तो वो राजनीति से प्रेरित नहीं है, वो हमला सिर्फ इनकी आपसी पर्सनल दुश्मनी है और उस दुश्मनी का कारण है इनकी वोट कटवाना जो मेरे इलम में ध्यान में आया। उसके कारण जब वोट कटवाने की बात आई वोट उस वार्ड में बनी हुई थी, पिछले साल भी झगड़ा हुआ था जो मुझे ऐसा पता है। उस नाते से मैं 1% वोट बोलूं तो मतलब आप हमले को नकार रहे हो एक तरीके से, जो मुझे भगवान कसम कह रहे हो मुझे हमले का नहीं पता। सीसीटीवी मुझे आप लोगों से सुनने में मिला जब मैं तभी तोड़ा आया थाने में और मैंने आगे उनको जिनके ऊपर आरोप था कि तुमने, मैंने उनको भी मना किया, ऐसा अगर काम किया तो गलत किया, ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूँ। मगर मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ अगर मुझे हमले का कोई 1% भी मिला। जैन साहब आप चाहते हैं कि जिन्होंने गलत काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, जिन्होंने गलत काम किया है उनको उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए और पब्लिकली उनको माफ करना चाहिए। नहीं अब वो किस लेवल तक क्या मारपीट, इसका मुझे कोई इलम नहीं है, अगर मुझे बताओ तो उसी लेवल तक की कार्रवाई होनी चाहिए ना। अगर हो सकता है अगर छोटी मोटी बातचीत की हो तो माफी की मांग से सुल सकती है और कोई बड़ी घटना हुई हो तो उसकी सजा होनी चाहिए। मैं इस बात तो नहीं मना करता, अगर किसी ने किसी पर जानलेवा हमला करा तो बिल्कुल सजा होनी चाहिए। आप ये मानते हैं कि अगर घटना बड़ी है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, अगर जानलेवा हमला है तो बिल्कुल होनी चाहिए, मगर ये मुझे ऐसा कोई प्रतीत नजर नहीं आ रहा भाई कोई जानलेवा हमला है। मेरे सामने सभी लोग खड़े हैं और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। किसी तरह की अगर कोई हिंसा चुनाव में होती है उसकी पूर्ण रूप से निंदा करता हूँ और ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये कोई चुनावी रंजिश नहीं है, ये सिर्फ आपसी वोट कटवाने की रंजिश है जो उस लड़के से इनकी आपसी जो बताया गया आपसी चल रही थी और गत वर्ष से ही चल रही थी। नहीं, जब वोट कटवाने की बात आ गई तो राजनीति हो गया ना ये? नहीं, राजनीति वो उसकी पर्सनल वोट कटवाने का चक्कर है, वो राकेश का क्या फर्क पड़ता है उस वोट के, अगर राकेश की वोट है इस वार्ड सामने आता है तो दोबारा फिर हम आपके बीच में लाइव जुड़ेंगे। ये थाना शहर सफीदों से आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे, वार्ड नंबर 13 के पूर्व पार्षद रहे हैं और चेयरमैन प्रत्याशी हैं गौरव रोहिला, उन पर जानलेवा हमला किया गया और उसकी शिकायत है जो थाना शहर सफीदों में दे दी गई है। और अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है और हम और किसी नई अपडेट के साथ दोबारा फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए।